नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 के 36वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने सामने थी। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और लगातार अंतराल पर टीम को झटके लगे थे, लेकिन बीच के ओवरों में ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने टीम को संभाला और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। लेकिन बीच के ओवरों में राजस्थान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों ने भी जबरदस्त वापसी की। आपको बता दें, लेफ्ट आर्म पेसर चेतन साकरिया ने मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। उन्होंने महत्वपूर्ण मौकों पर दिल्ली को झटके दिए। सबसे पहले उन्होंने पृथ्वी शॉ का विकेट निकाला था और उसके बाद अक्षर पटेल का भी विकेट निकाला पारी के 19वें ओवर में। आपको बताते हैं, पारी के 19वें ओवर में चेतन साकरिया ने अक्षर पटेल का विकेट निकाला, लेकिन इस ओवर की पहली गेंद पर उन्हें एक बड़ा छक्का भी अक्षर पटेल ने लगाया था। चेतन साकरिया ने एक स्लोअर वन गेंद फेंकी थी जिसे अक्षर पटेल ने पूरी तरीके से भांप लिया और डीप मिड विकेट के ऊपर बड़े छक्के के लिए भेज दिया था। लेकिन इसके बाद अगली गेंद वाइड थी, लेकिन अगली ही गेंद पर चेतन साकरिया ने अक्षर पटेल को अपनी स्लोअर वन गेंद पर फंसा लिया और डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कर वापस पवेलियन भेज दिया। इसके बाद दोनों के बीच कुछ कहा सुनी भी देखने को मिली। आपको बता दें, दोनों गुजरात से ही खेलते हैं और दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती भी है। चेतन साकरिया ने 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट लिए, वहीं अक्षर पटेल ने 7 गेंदों पर 12 रन बनाए जिसमें 1 छक्का लगाया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने 32 गेंदों पर 43 रन, वहीं ऋषभ पंत ने 24 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।